हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना कुमार और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, पीएम आवास योजना का नया सर्वे इसी हफ्ते से शुरू होगा, इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते से नए सिरे से सर्वे शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपात्रता की 4 शर्तें हटा दी है। जो शर्तें हटाई गई है वो इस प्रकार से हैं: यदि आपके पास मोटरसाइकिल है, मोबाइल फोन है और 10,000 रुपये की आमदनी भी है, तब भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसानों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तों में रियायत दी गई है। तय हुआ है कि यदि किसान के पास 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित भूमि है, तब भी उस किसान को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। वहीं अब इसी हफ्ते से सर्वे भी शुरू हो जाएगा। यदि आप पात्रता रखते हैं तो सर्वे में नाम अपना जरूर लिखाएं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3.5 लाख आवास पीएम आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मंजूर किए गए हैं, अर्थात मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 लाख पीएम आवास बनेंगे। दोस्तों, कम आय वालों के लिए केंद्र सरकार ने बनाया है मास्टर प्लान। अब 1 अक्टूबर से होगा इसके लिए घर घर सर्वे। केंद्र सरकार ने कम आय वाले परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। सरकार निर्माण श्रमिक, गीग श्रमिक, अपशिष्ट श्रमिक, देखभाल श्रमिक, घरेलू श्रमिक और परिवहन श्रमिक का घर घर जाकर के सर्वेक्षण करेगी और पता लगाएगी कि उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि कोई समस्या आती है तो उनको योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। यह कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, आगरा, इंदौर और वाराणसी समेत देश भर के 25 शहरों में किया जा रहा है, ताकि कम आय वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आवेदन की तिथि में हुआ है बदलाव। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया है। मंडल ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र 7 अक्टूबर तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया गया है। इस संबंध में मंडल ने एक आदेश भी जारी किया है। ज़्यादा जानकारी आप अपने स्कूल से भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी महीने प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी। ट्रफ लाइन के कारण प्रदेश के 13 जिलों में तेज बारिश का अनुमान अभी भी है। मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में मानसून की विदाई के संकेत मिल रहे हैं, लिहाजा अगले कुछ दिनों बाद किसी भी जिले में कहीं पर भी भारी बारिश नहीं होगी। लेकिन उससे पहले अरब सागर में आ रही नमी की वजह से 2-3 दिन में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी ने बताया कि एक ट्रफ लाइन प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है, इसके चलते ग्वालियर, उज्जैन के संभागों में कहीं कहीं तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन अब सिस्टम खत्म हो रहा है, इस कारण अब अधिक देर तक वर्षा कभी नहीं होगी। इस सिस्टम के खत्म होने के साथ मानसून भी विदा हो जाएगा। संभवतः अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मानसून विदा हो सकता है। हवा का रूख फिलहाल अभी पश्चिमी है, इसलिए ठंडक का एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हवा का रूख उत्तरी होगा ठंडक महसूस होने लगेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनता का नशे के खिलाफ आंदोलन जारी है। जनता ने शहर का बाजार पूरे दिन के लिए बंद कर दिया था। खबर मंदसौर जिले से है। मंदसौर में नशा के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर जनता ने खुद से पूरे बाजार को बंद कर दिया। इसे लेकर शहर की जनता ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं लोगों ने नगर में शराब, अफीम, गांजा सहित इसमें जैसे नशीले पदार्थ बेच रहे तस्करों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की भी मांग की है। वहीं इंदौर के विधायक डंग ने कहा कि नगर बंद जिस संबंध में किया गया है उसका समाधान प्रशासन को ढूंढना चाहिए। जो भी नशे के गोरख धंधे में शामिल है उन तक पहुंचकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के सौदागरों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें नेस्तनाबूद करना होगा। इस प्रकार नशे के खिलाफ मंदसौर की जनता की बहुत अच्छी पहल है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन के दाम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने को लेकर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सोमवार को भोपाल में प्रदेश के करीब 16 किसान संगठनों ने नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। उन्होंने सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का समेत तमाम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और MSP की कानूनी गारंटी देने की भी मांग की। तो चलिए सुनते हैं किसान नेता को लाइव। मांग यह है
हम ये चाहते हैं कि सोयाबीन को 8,000 रुपए क्विंटल, धान को 5,000 रुपए क्विंटल, मक्का को 3,000 रुपए क्विंटल, गेहूं को 4,000 रुपए क्विंटल, चने को 8,000 रुपए क्विंटल, गन्ने की 500 रुपए क्विंटल पर खरीद की गारंटी दी जाए। मतलब कि पूरा का पूरा जो कृषि उत्पाद है वो सरकार के द्वारा खरीदा जाए। अभी क्या हो रहा है, जब से ये मध्य प्रदेश के किसान संगठनों ने आंदोलन चालू किया तो इतना तो हो गया कि पहली बार सरकार ने कहा हम खरीदेंगे, लेकिन पहले का 40% खरीदेंगे, फिर का 20% खरीदेंगे। इसका मतलब 100 बोरे में से 20 खरीदेंगे और 80 बोरा जो है वो किसान लुटेगा, 3,000-3,500 रुपए क्विंटल पे बेचेगा। कि अब खेती किसानी चालू हो गई है, आपको मालूम है सोयाबीन की कटनी अब चालू हो गई है, तो किसान पहले अपना काम पूरा कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद में सोनाली को हम तेज करने का काम करेंगे। दोस्तों, देश के इस राज्य में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। इसकी जानकारी खाद्य मंत्री ने दी है और बताया है कि कितना होगा समर्थन मूल्य। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी की तैयारी है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा धान खरीदने का अनुमान लगाया है। इस वर्ष सरकार करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। खाद्य मंत्री दयाल बघेल ने यह जानकारी दी है। वहीं खाद्य मंत्री ने बताया कि 3100 रुपए के भाव से धान की खरीदी की जाएगी। वहीं एक एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। सभी खरीदी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से ही धान की खरीदी होगी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए पूरी व्यवस्था बना ली गई है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगभग 37,46,000 किसान परिवार हैं। इनमें से 80% किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। वहीं यहां धान, सोयाबीन, उड़द, अरहर मुख्य खरीफ फसलें हैं। इस प्रकार से जब छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है, तो मध्य प्रदेश की सरकार धान इतने कम कीमत में क्यों खरीद रही है? मध्य प्रदेश सरकार को भी 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। और तो और उनका यह वायदा भी है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को सुनाई है खरी खोटी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। एक दिन पहले ही इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। अब भारत के विदेश मंत्री ने जवाब दिया, साथ ही पड़ोसी मुल्क को आईना भी दिखा दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद कभी सफल नहीं होगा और उसे अपने कर्मों का निश्चित रूप से परिणाम भी भुगतना होगा। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि यह पाकिस्तान के कर्म ही हैं जो उसकी बुराइयां अब उसके समाज को तबाह कर रही है। भारत और पाक के बीच अब केवल एक ही मसला रह गया है, जो पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कराना है। अब इसे भी हम जल्दी से खाली करा लेंगे, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर देंगे। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।